दिग्विजय चौटाला जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत अपना कीमती समय देने के लिए हरियाणा न्यूज को। जी धन्यवाद जी। दिग्विजय चौटाला जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया इस बड़े दिन पर, क्योंकि आज गुरु नानक देव जी की जयंती है और इतना बड़ा ऐलान कर दिया कि तीनों कृषि कानून वापस होने वाले हैं, जल्द ही होंगे वापस। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। गुरुपुर्व के इस खास शुभ अवसर पर देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा लिया गया जो फैसला है वो स्वागत योग्य है। ये मेरे हिसाब से, मेरी पार्टी के हिसाब से, हजारों लाखों करोड़ों किसान जो संघर्षरत थे, प्रयासरत थे, दिल्ली की सरकार से निरंतर अपने इस विषय को लेकर की लड़ाई लड़ रहे थे, ये उनकी एक बड़ी जीत है। और इतना लंबा आंदोलन, इतना शांतिप्रिय आंदोलन शायद देश के इतिहास में नहीं, दुनिया के इतिहास में नहीं देखा होगा। और मैं ये मानता हूं सरकार ने किसानों की मन की बात को जाना, और इस शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद भी करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने किसानों के मन की बात के अनुसार एक बड़ा फैसला लिया। आपको लग रहा है जिस तरीके से लगातार जेजेपी को भी विरोध का सामना करना पड़ रहा था, ये एक कटु सत्य है, बकायदा बहिष्कार तक की बातें कही जा रही थी, अब जेजेपी को भी राहत मिली है अपने स्तर पर? जननायक जनता पार्टी इस बात के लिए निरंतर प्रयासरत थी, दुष्यंत जी हम सब लोग निरंतर इस बात के लिए प्रयासरत थे कि किसानों की बात सुनी जाए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो जहां इन बातों का हल, इनकी समस्या का हल निकाला जाए। दुष्यंत जी ने दिल्ली के अनेकों दौरे किए, अनेकों लोगों से वो मिले, यहां तक कि देश के गृहमंत्री जी से भी वो जाकर इस विषय पर मिले। आज इस बात की बहुत से लोगों में होड़ लगी होगी क्रेडिट लेने की, मगर आज समय क्रेडिट लेने का या हो इस बात का नहीं है। आज तो सिर्फ और सिर्फ इस शुभ अवसर पर जो ये फैसला आया है इसका हम स्वागत करते हैं, और मैं ये मानता हूं कि अब किसान अपने घरों को लौटेंगे और अपने सुनहरे भविष्य के लिए सरकार के साथ मिलकर अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन किसान तो लगातार ये कह रहे हैं दिग्विजय चौटाला जी कि एमएसपी को सुनिश्चित करने वाला जो चौथा कानून है, जिसके हम मांग कर रहे थे, जो हमारी प्रमुख मांगों में से एक है, वो सरकार जब तक नहीं लेके आएगी जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। मुझे हैरानी है कि जो लोग ऐसी बात कह रहे हैं वो लोग, जब एमएसपी की बात पर सहमति बन गई थी और उस सारी बातचीत के दौर में दुष्यंत जी भी शामिल थे, तब वो लोग बैकआउट क्यों कर गए? मगर आज फिर भी ये एक शुभ अवसर है और एक इतनी अच्छी जो खबर है हम सबको सुबह उठते ही मिली है, अब इस पर बहस करने का, इस पर चर्चा करने का नहीं है। मैं उन सभी किसान जो हमारे अन्नदाता हैं, जो असली मायने में इस देश को चलाते हैं, जिन्होंने इतना लंबा संघर्ष किया, बहुत से लोगों की जाने गई, मैं उनको नमन करता हूं, उनके संघर्ष को नमन करता हूं। और दिल्ली से जो एक लड़ाई थी उनकी, वो आज कहीं ना कहीं इस शुभ अवसर पर उन्होंने जीती है, मैं उनको बधाई देता हूं। और इसके साथ साथ आपको उम्मीद थी क्या कि केंद्र सरकार ये बड़ा फैसला लेगी, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों तक तो दुष्यंत चौटाला भी लगातार ये कहते आ रहे थे कि बातचीत करने के लिए आइए, मैं बातचीत करवाने के लिए तैयार हूं, मैं समय लूंगा, लेकिन आप तो आइए, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आपको उम्मीद थी कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला ले लेगी? निश्चित तौर पर, जब चौतरफा सब लोग प्रयास कर रहे हो, और दुष्यंत जी भी उनमें से प्रथम पंक्ति में थे जो इस बात के लिए बहुत मजबूती से प्रयास करते कि किसानों की बात सुनी जाए और इस पर बड़ा फैसला लिया जाए। दुष्यंत जी ने अपनी पार्टी और अपने लोगों की बात को बहुत मजबूती से दिल्ली में रखा, कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे आंदोलन के अंदर जननायक जनता पार्टी और दुष्यंत जी की नीयत पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। हमारी नीयत, हमारी इस पर लेकर हमारी सोच, हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ। और बात करें यहां पर जो किसान नेता हैं और बात करें इसके इतर कांग्रेस नेताओं की, वो लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार को डर है, क्योंकि जो 2022 में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें से एक प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश भी है जो राजनीति की दिशा और दशा भी तय करता है, उन राज्यों में जो चुनाव होने हैं, इसके डर की वजह से कि भाजपा को खामियाजा न भुगतना पड़े इन चुनावों में, उसके डर की वजह से सरकार ने इससे पहले यह बड़ा फैसला लिया है। विपक्ष और पॉलिटिकल सेफोलॉजिस्ट अपना अपना वर्णन करेंगे और उनको ये अधिकार भी है, डेमोक्रेसी है, और उनको कोई रोक नहीं सकता, सब लोग अपनी बात कहेंगे। मैं एक ही बात कहूंगा, जननायक जनता पार्टी इसका स्वागत करती है, हम देश की सरकार का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने किसानों के मन की बात को सुना, और इसके लिए जिसके लिए हम सदैव प्रयासरत थे आज वो चीज पूरी हो। और लगातार ये बात भी कही जा रही थी
इसी किसान आंदोलन के दौरान बात लगातार सुनने में आ रही थी कि जो गठबंधन सरकार है ज्यादा समय तक चल नहीं पाएगी, और इस दौरान किसान आंदोलन भी चल रहा था और कई किसान लगातार इस बात को प्रमुखता से कह रहे थे, उठा रहे थे कि गठबंधन सरकार ज्यादा समय तक चलने वाली नहीं है। लेकिन इस दौरान दो उपचुनाव भी हुए। जी दिग्विजय जी, जी हमारी सरकार गठबंधन की सरकार पूरी तरह मजबूत है। हरियाणा का इस फैसले से, इन तीनों कानूनों से कोई लेना देना नहीं था, ना ही ये हरियाणा के विधानसभा में कानून बने। ये लड़ाई केंद्र से थी, केंद्र में जननायक जनता पार्टी का कोई प्रतिनिधि नहीं था, ना ही कोई हमारा एमपी था राज्यसभा या लोकसभा में। फिर भी दुष्यंत जी क्योंकि किसान है, युग पुरुष जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के पड़पोते हैं, उनका खून है, उन्होंने अपने धर्म को निभाया और आगे भी निभाते रहेंगे। आपको लग रहा है कि केंद्र सरकार का अगला कदम क्या होना चाहिए इसके नाते कि अब किसानों की जो आय है उसको दोगुना किस तरीके से किया जाए? चूंकि 2022 अब आने ही वाला है, 2022 में सरकार ने ऐलान किया था कि किसानों की आय दोगुना करेंगे, लेकिन किसान अब भी परेशान है अपने उचित दाम मिलने को लेकर। निश्चित तौर पर एमएसपी पर कानून बनना चाहिए, किसानों की जो लागत है उस पर उनकी आय जो है वो बढ़ाई भी जानी चाहिए और निर्धारित भी की जानी चाहिए, और सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी स्टेट में है, जैसे हरियाणा में तो हम दे रहे हैं, दूसरी स्टेट में नहीं है, वहां भी इस पर कानून आना चाहिए या केंद्र का इस पर कोई कानून आना चाहिए, हम इस बात के पक्षधर। जी आपको लगता है कि ये जो सरकार ने बड़ा फैसला आज के दिन लिया है, सरकार को बहुत समय पहले ले जाना चाहिए था, क्योंकि आखिरी जो बातचीत हुई थी वो 22 जनवरी को हुई थी, इस दौरान कम से कम 8 से 10 महीनों का वक्त बीत गया है, इस दौरान कम से कम 750 किसानों की जान भी चली गई है, ये एक सच्चाई है, तो सरकार को ये फैसला पहले ही ले लेना चाहिए था। आप और हम सब लोग, सारा हरियाणा और सभी किसान इस बात को मानते हैं कि दुष्यंत जी और हम सब लोग इस बात के लिए बहुत लंबे समय से प्रयासरत, इस कम्युनिकेशन डेडलॉक को खत्म करने के लिए कि दोनों लोगों के बीच में, दोनों पार्टीज के बीच में बातचीत फिर से शुरू हो, जबकि हम उसमें कोई पार्टी नहीं थे, फिर भी हम इस बात के लिए प्रयासरत थे किसान होने के नाते। आज इस शुभ अवसर पर जो बड़ा फैसला आया है, अब इसमें कमियां खामियां या देरी क्या रही क्या नहीं रही उस पर चर्चा करने का नहीं है, इसका स्वागत करने का है। किसानों में खुशी की लहर है कि उनका संघर्ष रंग रहा है। लेकिन किसान आंदोलन के दरमियान अलग अलग तरह के शब्द भी हमने सुने हैं, कभी किसानों को नकली किसान कहा जाता है, कभी आंदोलनजीवी कहा जाता है, लेकिन क्या अब ये मान लिया जाए कि सरकार नकली किसानों के आगे झुक गई है? क्योंकि नकली किसान भी लगातार कहा जाता रहा है। जिन जिन लोगों ने ऐसा कहा वो स्वयं इस बात का पश्चाताप कर चुके होंगे या कर रहे होंगे, हमने कभी ऐसा नहीं कहा, हमने सदैव किसानों के संघर्ष को सिरमाथे लगाया। आप हमारा कोई भी बयान निकाल लीजिए, किसी भी पार्टी के नेता ने सदैव इस बात को एंडोर्स किया कि इन सब लोगों की, हम सब किसान फ्रेटरनिटी की बात पर बड़ा फैसला होना चाहिए। चलिए दिग्विजय चौटाला जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया।